राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी के चलते तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था, तो वहीं आज दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय से उत्तराखंड में आई आपदा में फंसे पीड़ितों के लिए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने राहत सामग्री के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड वासियों पर यह आपदा एक आघात है। इस कठिन घड़ी में दिल्ली भाजपा अपने उत्तराखंड के भाई बहनों के साथ है। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी द्वारा समस्त भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जो उत्तराखंड में त्रासदी आई है, उस त्रासदी के अंदर, दुख के अंदर हम दिल्ली उनके साथ खड़ी हुई है। यहाँ से 20,000 पैकेट जो हैं वो हल्द्वानी जाएंगे और हल्द्वानी से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक एक पैकेट के अंदर चावल है, दाल है, चीनी है, आटा है, नमक है, तेल है, चाय की पत्ती है, सूखा दूध है, जो देने की ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी हैं, पानी भी है। इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से खाने की समस्या ना हो, क्योंकि कोई भी समस्या आती है, समस्या का इलाज से इतना समस्या से लोग नहीं मरते जो भुखमरी से मरते हैं। उससे बचाने के लिए हमारे अंत्योदय की योजना के मेरा लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति और जो पीड़ित है उसको राहत पहुँचे, इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड के प्रभारी के होने के नाते। और पूरे ही सभी प्रांतों से लगातार वहाँ पर राहत सामग्री पहुँच रही है। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार वहाँ की चिंता कर रहे हैं, फोन द्वारा जानकारी ले रहे हैं, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वहाँ पर प्रवास भी किया है, वहाँ की समस्या को देखा है, और वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार एक सेवक की तरह काम कर रहे हैं और एक फौजी की तरह सतर्कता से उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए जो त्रासदी से बाद में जो घटनाएँ घटती हैं उससे बराबर उसको बचाने का काम किया है। मैं विपक्ष को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया है। त्रासदी मानव की होती है और मानव सभी का होता है। मानव दिल अगर उनमें हो तो वो एक बात घंटा बटा दें। जिस प्रकार से 1.5 साल कोरोना पीड़ा के अंदर वो स्टे एट होम रहे, किसी के पास दवाई देने और खाना देने नहीं गए। आज मैं डेली अखबार पढ़ रहा हूँ उत्तराखंड का, किसी भी कांग्रेस के नेता ने या हम पार्टी के नेताओं ने कोई भी नहीं किया। वो लोग विधि की तरह रहते हैं, कौन मरा है, किसका मरा है, किस जाति का मरा है, किस धर्म का पड़ा है, किस पार्टी का है, हम किस प्रकार से मौतों पर रोटी सेक सकते हैं, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। उतना ही उनका बयानबाजी है और विरोधी दल के नाते उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए करना भी चाहिए। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।